हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और टेस्टी शक्करपारे की रेसिपी। वो भी गेहूं के आटे से हम ये शक्करपारे बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और हम इसमें ना ही मैदा का यूज़ करेंगे और ना ही कोई चाशनी की झंझट होगी। इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम ये शक्करपारे बनाएंगे और कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो या होली हो, कोई भी त्यौहार पे फरसान बनता ही बनता है सभी के घर में। तो एक बार से गेहूँ के आटे का शक्करपारा जरूर ट्राई करना। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन रख दिया है, उसमें मैं 3 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। ये मैंने थोड़ा मोटा वाला जो आटा है वो यूज़ किया है। और कोई भी आप घर की कोई भी कटोरी का मेजरमेंट आप में ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कटोरी ले ली है, तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसी से मैं 1 कटोरी में यहाँ पे सूजी ले रही हूँ। तो मेरे पास मोटी वाली सूजी है, तो मैं इसको मिक्सी जार में डाल के इसको फाइन पाउडर इसका रेडी कर लूँगी। सूजी डालने से क्या होगा कि हम मैदे के नहीं बना रहे हैं, तो मैदा जैसा टेक्सचर और टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया आएगा हम इसमें सूजी डालेंगे तो मैदे से भी बहुत ही अच्छा ये हमारा शक्करपारा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे उसको इस तरह से पीस लिया है सूजी को और इसमें डाल दिया है। और उसी कप से मैं आधा कप में यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप इसमें थोड़ी बढ़ा भी सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची दाने लिए हैं, उसको शुगर के साथ ही हम पाउडर इसका रेडी कर लेंगे। तो इसको हमने पीस के रेडी कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और इसको शक्करपारे के टेस्ट को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट डालने से क्या है, खट्टा और खरास और मिठास के बैलेंस अच्छे से सेट हो जाएगा। तो एक बार इसे हम इसको मिला लेंगे। फिर उसी कप से मैंने यहाँ पे आधा कप में थोड़ा सा कम उतना घी लिया है, उसको गर्म करके ही यूज़ करना है, मेल्ट करके ही, ऐसे ही घी को यूज़ मत करना। और घी ऑयल कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर आधा घी और आधा ऑयल का भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मोइन और चीनी का कॉम्बिनेशन इसमें अच्छा होना चाहिए, तो ही खस्ता बनते हैं शक्करपारे। तो मोइन हमें इतना देना है कि हाथ में फोल्ड हो उतना देना है। तो अच्छे से हमने मोइन दे के इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, एक साथ में पानी नहीं डालना है। और हमें इसका ना ही ज़्यादा सख्त आटा गूंथना है और ना ही ज़्यादा गीला आटा गूंथना है, ऐसा आटा हम इसका गूंथ के रेडी कर लेंगे। और आप आटा दूध से भी गूंथ सकते हो और पानी से भी गूंथ सकते हो, लेकिन दूध से आटा गूंथेंगे तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक खराब अच्छे नहीं रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप पानी या मिल्क कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने आटा को गूंथ के रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी अच्छे से सेट हो जाए, उसके लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद फिर से हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। और ये देखिए कितना हार्ड डो हो गया। और ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी छिटक के फिर आप इसको स्मूथ कर सकते हो। और एक लुआ ले लेंगे, चकले पे लुआ रख के फिर हम इसको बेल लेंगे। और बेलना आप थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको ज़्यादा मोटे वाले शक्करपारे पसंद है तो ज़्यादा थिकनेस रख सकते हो, लेयर वाले करने हैं तो जैसे कि बाज़ार में मिलते हैं वैसे। और पतले भी आपको पसंद है तो पतले भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बेल के इसको रेडी कर लिया है। अब हम चारों ओर से इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो निकाल देंगे, और बीच वाले पार्ट में से हम शक्करपारे रेडी करेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है हम दूसरी पार्ट जब इसको यूज़ करेंगे तब ले लेंगे। और ये देखिए थिकनेस मैंने यहाँ पे ना ही ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है, ऐसा मैंने इसको बेल के रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चप्पू की मदद से या फिर ऐसे कटर से हम इसको स्क्वायर में कट कर लेंगे। और पीसीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कोई भी कर सकते हो, आपको जैसा भी शेप पसंद है उस हिसाब से आप इसको काट सकते हो। इस तरह से हम सारा काट के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए थिकनेस मैंने कितनी रखी है वो देख लिया आप एक बार, फिर आपको जैसे भी रखनी है वैसे आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो और साइज़ भी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। और हलवाई की दुकान पे बहुत ही मोटे वाले होते हैं, तो आप ज़्यादा मोटे रखने हैं तो मोटे भी रख सकते हो,
इसी तरह से हम सारे शक्करपारे को बेल के रेडी कर लेंगे। इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे और ये देखिए मैंने सारे शक्करपारे को बेल के रेडी कर लिया है। और साइज भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा मैंने आटा इसमें डाल दिया है और देखिए बिल्कुल भी बबल्स नहीं बन रहे हैं। तो ऑयल हमारा शक्करपारे तलने के लिए परफेक्ट गर्म हो गया है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हमें गैस की आंच को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखनी है, वरना शक्करपारे अंदर बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी कुक नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे और खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा। और थोड़ी देर ऐसे ही इसको फ्राई होने के बाद चम्मच की मदद से पहले हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे, चला लेंगे, ताकि शक्करपारे तेल में फटे नहीं। और एक ये भी ट्रिक है कि आप ज़्यादा मोइन दे दोगे या फिर ज़्यादा चीनी डाल दोगे तो ऑयल में जाते ही शक्करपारे सारे फटने लगते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमें मोइन भी नहीं देना है, वरना शक्करपारे ऑयल में जाके फट जाएंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है। आप हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो भी शक्करपारे बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनेंगे। और ये देखिए हमारे शक्करपारे फ्राई होके रेडी हो गए हैं और देखिए कलर भी कितना अच्छा इसका गोल्डन ब्राउन आ गया है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसको भी ऐसे उलट पलट के हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो सारे शक्करपारे इसी तरह से हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा क्रंची इसका आवाज़ आ रहा है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितने क्रिस्पी हमारे शक्करपारे बनके रेडी हो गए हैं। तो एक बार से आप गेहूं के आटे के शक्करपारे ज़रूर से ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और देखिए अंदर से भी ये पूरा सिक गया है और ये हमारे शक्करपारे बनके रेडी हो गए हैं।